मुख में राम और बगल में राजनीतिक छुरी। जिस तरह आप सबको मैंने बताया पहले भी कि रामलीला करने वाले दोनों मंडलों ने आजाद मैदान से परमिशन लिया था, और उसके बावजूद भी ये जो सरकार है, इस सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना था, और शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए उन्होंने आजाद मैदान चुना। आजाद मैदान की दोनों रामलीला को उन्होंने कहा कि जो है आप एक दिन पहले रामलीला जो है वो खत्म कर दीजिए, और रावण का दहन भी जो है एक दिन पहले कर दीजिए। जब इसका हमने विरोध किया, तब ये बौखलाई हुई सरकार में बैठे हुए शिंदे जी ने इस मीटिंग को जो है हमने कैसे अच्छे से करने के लिए उनके साथ संवाद किया है इस बारे में कहा। उनके किसी एमएलए ने यह भी कहा कि रावण का दहन तो कब भी किया जा सकता है। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, उस बौखलाए हुए सरकार से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने उनसे बात की, उनको कहा कि एक मंडल को कहा कि एक दिन पहले जो है वो रावण का दहन कीजिए, दूसरे मंडल को आपने कहा कि हम आपको दूसरी जगह देते, आप स्थानांतरित होकर वहां पर रावण का दहन कीजिए। तो मेरा ये सवाल है इनसे कि इतनी सारी चीजें आप क्यों कर रहे हो, सिर्फ आपकी मीटिंग होने के लिए, आपका शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए, और इसमें भाजपा उनकी सहकार्य कर रही है। तो ये तो पूरी तरह से जो मैं है ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि राम भक्ति यही रामलीला में दिखाई जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज इसको आप विरोध करने का काम कर रहे हो। आपने जगह जगह पे कटआउट लगा दिए जिसमें आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का फोटो डाला है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी शिवाजी पार्क में दसरा मेलावा होता था, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी पहले रावण का दहन करते थे, फिर अपना भाषण की शुरुआत करते थे। ये परंपरा को आपने याद रखना चाहिए। जब आप उनकी इतनी सारी बातें कहते हैं कि मैं उनका पूरा जो है उनकी कदर चमड़ों पे चलना चाहता चलने वाला आदमी हूं, तो ये आपको याद रहना चाहिए था। यह परंपरा भी आप भूल गए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये कहना पड़ेगा कि जो ये शिंदे सरकार है, जो राम का नाम तो सिर्फ इलेक्शन के वक्त लेती है, ये शिंदे सरकार है जब बात अलग चीजों की करती है, लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है, और जब वक्त आता है तो इस तरह से जो है वो रामलीला और राम भक्तों के साथ खेलने का काम हो जाता है। आपने किसी मंडल को स्थानांतरित किया, किसी मंडल को एक दिन पहले रावण दहन करने को कहा, ये बिल्कुल सही नहीं है। उनकी परमिशन है और उन्होंने परमिशन लेके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, लेकिन आपकी शक्ति प्रदर्शन के लिए आप राम भक्तों की भावनाओं से खेल रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका आपको जवाब मिलेगा।